उसका विक्रम इस आरएनडी स्कूल एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। एक तरफ देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ बच्चे स्कूली शिक्षा से लेकर परेशानी झेल रहे हैं। इसी समस्या को लेकर मैं आज कक्षा 10 के रेखिक विधि जो अलेखीय विधि द्वारा एक सवाल आता है बोर्ड परीक्षा में 6 मार्क्स का, उसको लेकर आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आइए चलते हैं इस प्रश्न के बारे में, कुछ ऐसा ही सवाल आपके सामने है। चलो, आपके पास में बोर्ड के अंदर बोर्ड का पेपर जो आता है उसमें 26 नंबर यानी 26वां सवाल ग्राफ पर बनाने से संबंधित आता है और एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से उस सवाल को पूछ सकता है। आपको रिस्क जाने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है। इन सारी समस्याओं का समाधान इस एक ही प्रश्न के अंदर किया जाएगा। एग्जामिनर आखिर सवाल कैसा पूछ सकता है वो बात हम इस वीडियो के दौरान करेंगे। यदि आपके पास में पेपर के अंदर समीकरण दिए और एक कोई भी एक समीकरण या कोई भी दो समीकरण बट्टा में दे रखे यानी डिवाइडेशन के अंदर एक संख्या लिख रखी है, तो सबसे पहले उस डिवाइडेशन वाली संख्या को नीचे जो संख्या दे रखी है हर के अंदर उस संख्या से गुणा करके उसको एक सिंपल समीकरण के अंदर बदल दीजिए। जैसे पहला समीकरण ये लिख रखा है 2x + 3y = 8, हम इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। और दूसरा समीकरण अपन के पास में 4x - 3y / 2 = 1 दे रहा है। अब यह नीचे देखिए कि यह 2 दे रहा है, अपन को इस 2 को हटाने की जरूरत पड़ेगी। तो इस 2 को हटाने के लिए आप प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दीजिए ताकि ये 2 नीचे से यहां से हट जाए और अपनी समस्या थोड़ी इजी हो जाए। तो चलिए हम इस समीकरण नंबर 2 को प्रत्येक पद को 2 से गुणा करें। जब 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 * 8 - 3y / 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, पीछे बचेगा अपने पास में 3y = 1 को जब 2 से गुणा करेंगे 2 * 1 = 2, ये समीकरण नंबर 2 बना। अब हम समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 को लेकर के आगे बढ़ करके इससे अपन इसका मान लेकर टेबल ज्ञात करेंगे। चलिए पहला समीकरण ये कहवा 2x + 3y = 8 दे रहे। अब अपन को सबसे बड़ी समस्या आती है जब, क्योंकि यहां पर पक्षांतरण करने पे या ट्रांसफर करने पे पीछे कुछ संख्या बस बच जाती है। अब कोई कई लड़की ये सोचते हैं कि सर x को इधर रखें, या कई ऐसे सोचते हैं कि y को इधर रखें। आप दोनों में से किसी को भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपके पास में 2, 4, 5 या फिर 8 किसी संख्या के साथ में, तो उसको आप राइट हैंड साइड की तरफ रखने की इस साइड रखने की कोशिश करिए ताकि आपका भाग देने में आसानी हो। तो हम यहाँ 2 वाली संख्या को इस तरफ रखते हैं, तो बाकी वाले हम ट्रांसफर करते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = 3y + के अंदर इधर जाएगा, माइनस में बदल जाएगा 8 - 3y। अब ये 2 इधर गुणा में लिखा हुआ है, पक्षांतर करने पे भाग में बदल जाएगा। अब इस समीकरण को हम यहां लेकर के एक टेबल बनाते हैं। अब इधर अपन को y का मान रखना है तो x का आंसर आएगा। अब एक टेबल बना लीजिए पहले यहां पे, और टेबल में 3 कॉलम होने चाहिए, ज्यादा कॉलम नहीं। कई किताबों में आपके पास में 4 कॉलम लिखे हुए, कोई जरूरी नहीं है आप स्वतः कॉलम बनाते हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। 2 कॉलम यानी 2 बिंदुओं से आप कोई भी एक रेखा खींच सकते हो। एक रेखाखंड खींचने के लिए अपने के पास में 2 बिंदु पर्याप्त है, इसलिए हम 3 कॉलम लेंगे, एक के अंदर x लिखेंगे, दूसरे में y लिखेंगे और उससे आगे अपन दोनों का मान ज्ञात करेंगे। तो हम अभी अपने y बराबर सबसे पहले आप 0 रखें, ट्राई करो y = 0 रखने पर,
तो वाई का मान आप जीरो शिफ्ट कर लो यहाँ पे कॉलम के अंदर। जैसे ही आपने वाई बराबर जीरो लिखा, जीरो रख के इस कॉलम के अंदर जीरो की पूर्ति करो। अब वापस समीकरण लेकर आएंगे, एक्स बराबर आठ माइनस तीन इंटू वाई, वाई का मान है जीरो रखा, जीरो बट्टा दो। तो हम ये लिख सकते हैं आगे कि आठ, तीन को जब जीरो से गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा, और आठ में से जीरो को घटाओगे तो पीछे आठ बसेंगे, और आठ में दो का भाग लगाओगे तो अपने पास में आंसर चार आएगा। अब इससे नेक्स्ट कई लड़के ऐसे सोचते हैं कि अब इससे आगे कौन सी संख्या रखेंगे कि इस संख्या का भाग इसमें पूरी पूरी बात चला जाए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, नीचे जो संख्या लिख रखी है दो लिख रखी है, और अपने आप यहाँ पे सबसे पहले जीरो रखा है तो जीरो के अंदर दो जोड़ दो, यदि आपने यहाँ पे एक रखा है तो एक में दो जोड़ दो, यदि आपने दो रखा है तो दो में दो जोड़ दो, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो अपन भाई बराबर वापस अपने यहाँ पे पहले जीरो रखा था, अब जीरो के अंदर दो जोड़ दिए तो दो हो गए, तो अब सीधा अपन दो रखेंगे, वाई बराबर दो रखने पर, तो वाई का मान यहाँ लिख दीजिए आप वाई बराबर दो। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बराबर आठ माइनस तीन इंटू दो बट्टा दो। अब देखो तीन दुनी छह, आठ में से जब छह कम हो जाएंगे तो पीछे बसेंगे दो, और दो के अंदर दो का भाग लगाएंगे तो अपन के पास में एक्स का मान आएगा एक। अब ये एक्स का मान यहाँ पे लिख, इस तरीके से अपने पहले समीकरण का तो काम पूरा हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे समीकरण का, दूसरे समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण अपन के पास में ये लेकर का है, अब समीकरण दो को आप करिए आगे हल। समीकरण दो के अनुसार अब पहले हमने इधर एक्स रखा था, अब जरूरी नहीं कि आप इधर अगली बार भी एक्स रखें, वाई को इधर रख करके भी आप हल कर सकते हैं। यदि आप एक्स रखते हो तो भी कोई संशय आपके सामने नहीं हो। अब अपन ने यहाँ वाई रख दिया, इधर वाई को जब इधर रखते हैं तो इधर अपने के पास में दो लिखे हैं, दो ये प्लस का आठ एक्स इधर जाएगा, माइनस में बदल जाएगा आठ एक्स बट्टा, अब ये माइनस का तीन था गुणा में था, इधर आने पे भाग में बदल जाएगा, ये हो रहा। यहाँ टेबल बना लीजिए, नीचे केवल तीन ही कॉलम रखने हैं टेबल में, ज्यादा कॉलम रखने की कोई जरूरत नहीं, एक कॉलम है एक्स और दूसरे में वाई। अब अपने के पास में यहां थोड़ी बहुत संशय हो सकती है क्योंकि अपन को इधर एक्स का मान रखना है। अब अपन एक्स बराबर क्या रखें कि इसका भाग पूरा पूरा जाए, जब भाग पूरा पूरा जाएगा तो अपन के लिए ग्राफ बनाते वक्त कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, नहीं तो भाग दशमलव में चला जाएगा तो अपन को ग्राफ में छोटी छोटी लाइनें गिनते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप जहां तक संभव हो भाग को पूरी पूरी पूरा पूरा लगाने की कोशिश करें। जब हम यहां पर जीरो रखते हैं, आठ को जीरो से बढ़ा करते हैं जीरो होता है, दो में से जीरो जाता है जीरो बचता है, अब जीरो में तीन का भाग संभव नहीं, पॉइंट तो होते रहेगा, ग्राफ बनाने में कठिनाई होगी। या एक रख के ट्राई करते हैं, आठ एकम आठ, अब ये माइनस का या प्लस का एक रखा माइनस हो गया, और माइनस में से प्लस के दो कम हो गए, पीछे माइनस के छह बचेंगे, अब माइनस छह के अंदर माइनस तीन का भाग आसानी से जा रहा है, तो हम यहां पर एक्स बराबर एक रखेंगे, प्लस का एक रखने पर y बराबर दो माइनस आठ इंटू एक बट्टा माइनस तीन, या फिर y बराबर आठ एकम आठ, दो में से माइनस के आठ चले जाएंगे, माइनस के छह बचेंगे, माइनस छह के अंदर माइनस तीन का भाग नहीं, माइनस टू माइनस का कट हो जाएगा, छह में तीन का भाग दो बन जाएगा, तो यहां पर y बराबर अपन के दो आ जाएंगे। अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार ही समस्या का सामना करना पड़ेगा, दोबारा कोई समस्या आपके सामने नहीं है। अब पुनः अपन एक्स बराबर कितना रखेंगे, अब अपन ने ये देखा, मैंने पहले ही यहाँ पे इस समीकरण को हल करते हुए बता दिया था कि आप सबसे पहले जीरो रखते हो, नीचे वाली संख्या को इसमें जोड़ो, अपने अपने यहाँ पे प्लस का एक रखा है तो इसके अंदर तीन जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे अपन के पास में चार हो जाएंगे, तो अपन एक्स बराबर पुनः चार रखेंगे। एक्स बराबर चार रखने पर वाई बराबर दो माइनस आठ इंटू प्लस के चार बट्टा माइनस के तीन, तो वाई बराबर आठ को चार से बढ़ा करोगे बत्तीस हो जाएंगे, ये माइनस के बत्तीस प्लस के दो, असमान चिन्ह घट जाएगा।
जाएंगे तो 2 में से 32 कम हो जाएंगे, माइनस के 30 बचेंगे, माइनस 30 के अंदर माइनस 3 का भाग लगाएंगे, माइनस टू माइनस कट हो जाएगा, 30 में 3 का भाग 10 हो जाएगा। तो अपने या x बराबर 4 का तो y बराबर 10 आएगा। अब इसके बाद में आपको ग्राफ बनानी पड़ेगी, ग्राफ बनाने से पहले आपको पैमाना मानना पड़ेगा। ध्यान रखिए कि पैमाना आपको दोनों के लिए मानना पड़ेगा, x अक्ष के लिए भी मानना पड़ेगा और y अक्ष के लिए भी मानना पड़ेगा। तो आप देखिए x के अंदर आपके यहाँ 4 लिखे हुए, या 1 लिखा हुआ है, या 1 लिखा हुआ है, या 4 लिखा हुआ है, तो आप x अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मान सकते हो और y बराबर या 0, 2, 2 और 10 लिख करके तो आप y अक्ष बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मान सकते हो। इस तरीके से आप ग्राफ के अंदर ग्राफ को बनाइए और हल करिए। उसके बाद में जो समस्या पूछी जा सकती है आपको, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ बनाने के बाद में x अक्ष और इन रेखाओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज को संरेखित करना, माना कि ये ग्राफ अपने किस तरीके से बन रही है और x अक्ष और त्रिभुज से बनने वाले को संरेखित पूछो। अपन के पास में x अक्ष ये होता है और y अक्ष ये नीचे वाला होता है, तो अपन x अक्ष यानी ये त्रिभुज इधर बन रहा है तो इसको अपन संरेखित कर सकते। इस तरीके से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आप इस सवाल को इतना भी कर लेते हो, ग्राफ भी नहीं बना पाते हो, तो भी एग्जामिनर आपको 4 मार्क्स बोर्ड के अंदर जरूर देगा। थैंक्स। नेक्स्ट प्रश्नावली के रूप में हम कल मिलेंगे निर्देशन ज्योमिति के रूप में।